हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज का जो टॉपिक है, आप अपने घर पे कैसे एक कस्टम मेड टॉप को रेडी करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टोर में आप जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे कहीं पे अच्छा कैबिनेट है, कहीं पे अच्छा स्पीकर्स है, कहीं पे अच्छा किट है, लेकिन एक ही जगह पे सब कुछ मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने शॉप वाले को ऑर्डर दे दिया है तो आपको कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती है, तो आप उतने संतुष्ट नहीं हो पाते अपने साउंड क्वालिटी से। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अपने घर पे भी इसको रेडी कर पाएंगे। आपको जहां से भी जो प्रोडक्ट अच्छा मिलता है वहां से आप कलेक्ट करके अपने घर पे भी इसको बना सकते हैं। अगर कहीं पे अच्छा कैबिनेट है तो आप वहां से कैबिनेट ले सकते हैं, दूसरी जगह से स्पीकर अच्छा मिलता है वहां से स्पीकर ले सकते हैं, किट मिलता है कहीं से अलग वहां से ले सकते हैं, और अपना HF फ्लायर अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो टॉप को रेडी किया है वो एक कंपनी मेड डायनेटिक कंपनी का है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और जो असेंबल करने वाले हैं उसी टॉप को हमने पहले से खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई कस्टम मेड टॉप नहीं है। जो वाला कस्टम मेड टॉप मेरे पास था उसको मैंने सेल आउट कर दिया है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू। आप जान पाएंगे कि कंपनी मेड टॉप में भी क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा होता है और हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इस वीडियो में जो किट मैंने यूज़ किया है टॉप कैबिनेट के अंदर वो उसका कंपनी का इनबिल्ट पैसिव क्रॉसओवर है। लेकिन जो वाला मैंने पहले दिखाया है उसमें मैंने आपकी कंसेप्ट जो है कहाँ पे इनपुट होता है, कहाँ पे आउटपुट होता है, वो वाला कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक कस्टम मेड टॉप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक एम्प्टी कैबिनेट, दो सेम वाटेज के स्पीकर्स, और एक HF के लिए फ्लायर जो कि आपके कैबिनेट के साथ फिट बैठ है, और आपको चाहिए होगा एक HF हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, और आपको चाहिए होगा एक नेटवर्क किट या फिर पैसिव क्रॉसओवर। दोस्तों, आपका जो नेटवर्क क्रॉसओवर है इसमें आपको रेड और जो ब्लैक है वो इनपुट के लिए दिया गया है, और आपका ब्लू और वाइट जो है ये दोनों आपके स्पीकर्स के लिए हैं, और यहाँ पे आपका ये HF के लिए आउटपुट है। ये वाला जो क्रॉसओवर है इसको मैंने एम्प्टी कैबिनेट में यूज़ नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि उसमें जो आपको पैसिव क्रॉसओवर देखने में मिलेगा वो डायनेटिक का जो टॉप के साथ आता है वही वाला है, लेकिन इस क्रॉसओवर के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है। आपको पहले अपना पैसिव क्रॉसओवर को अपने कैबिनेट के अंदर फिट कर देना है, और आपका पैसिव क्रॉसओवर का जो मेन इनपुट है उसको अपने स्पीकर कनेक्टर के पोल के साथ सोल्डर कर देना है, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एक लो के लिए आउटपुट, और एक मिड के लिए, और एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट, और इन केबल्स को आपको अपने ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लो या फिर लो मिड स्पीकर है, नीचे वाला स्पीकर, उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसको स्क्रू के साथ हमें टाइट कर देना है। और नेक्स्ट हम मिड फ्रीक्वेंसी का जो स्पीकर है उसके साथ जो मिड का आउटपुट निकलता है उसको कनेक्ट कर देना है। ये वाला जो स्पीकर है इसमें से आपका ज्यादातर वॉइस बाहर निकल के आएंगी, और इसको हमें टेपिंग भी अच्छे से कर देना है ताकि कभी भी शॉर्ट ना हो, और इसको हम इसके पोजीशन पे लाके स्क्रू कर देना है।
और नेक्स्ट हमें एचएफ के साथ फ्लायर को बोल्टिंग कर देना है। और इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। और नेक्स्ट पैसिव क्रॉसओवर से जो आउटपुट निकल के आया था उसको हमें एचएफ में कनेक्ट कर लेना है और उस फ्लायर को उसके पोजीशन पे रख के बोल्टिंग भी कर लेते हैं। और हमें इसका ग्रिल उसके पोजीशन में स्क्रू कर देना है और इसको हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह से अपने इक्विपमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं तो अपने घर पे भी इसको रेडी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून।